एसोसिएशन। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं RDA यानी रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन के दफ्तर में हूँ। ये सिद्दीक साहब हैं, सिद्दीक थरवाला साहब, जिन्होंने इसको स्टार्ट किया। मैं इनसे रात को मिला और इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है बड़ी इंटरेस्टिंग है। इनको बहुत जल्दी बातें समझ में आई थी, तो मैंने कहा कि इनके साथ टाइम स्पेंड करें। बेटा आपका नाम क्या था? राजेश मगनी नाम है। राजेश भाई जो है वो आज के कैमरामैन और सोशल मीडिया के इंचार्ज थे। ये इनका दफ्तर है, इनका मीडिया सेक्शन है। आए तरह सैर कराएं। ये हमारे सोशल आशिक अली बचीर। आशिक भाई कैसे हैं? अच्छा, ज़बरदस्त। ये आपका किचन है, बड़ा अच्छा। अच्छी बात, इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे तमाम फोटोएं भी लगी हुई हैं खुदाओं की। जी, तो आप लोग ये जो मिट्टी है फेथ हार्मनी के हवाले से लिए मशहूर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे मुस्लिम हिंदू सारे इकट्ठे होते हैं। आगे दो दिन पहले जो होली का त्यौहार था तो वो दोनों ने मिल के बनाया, मुस्लिम भी थे तो हिंदू भी थे, तो यहाँ पे कोई वो फर्क नहीं समझा जाता। आपको तो यहाँ की जिस तरह बसंत मनाते हैं लाहौर में, इस तरह आपको तो यहाँ बड़ी होली मनानी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, एक बिल्कुल, बड़ा सा इवेंट रख सकते हैं आप लोग, कि भाई हजारों लोग आए होली खेलने के लिए, जो आना चाहे वो आ जाए। ये आपका ऑफिस है? ये मेरा वर्क स्टेशन है, यहाँ पे मैं बैठता हूँ। हम लोग काम करते हैं कम्युनिटी के लिए, और मेरे साथ मेरे एक कुलीग हैं, हम एडवोकेट हमलेश कुमार, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड के डायरेक्टर भी हैं और वॉलंटियर, और बहुत अच्छा मुस्कुराते भी हैं। हाँ, समटाइम्स मुस्कुराते हैं, दांत दिखाते हैं, समटाइम गुस्से में होते हैं। सही। और इसके साथ साथ ये ऊपर काजल साहब बैठे हैं। हाँ जी, ये हमारे घर का मैं पर्सन बात करना चाहेंगे, और ये डिस्ट्रिक्ट, ये हमारी एरिया ऑफ ऑपरेशन जो डिस्ट्रिक्ट थरपारकर है उसका पूरा मैप है। ओवरऑल 7 तहसील हैं और 62 यूनिट कौंसिल है, और हम लोग अभी 8 यूनिट कौंसिल में ऑपरेशन कर रहे हैं, जो कि डीपलो, सलामकोट और तहसील डाली में आते हैं। तो छोटा मोटा काम कर रहे हैं हम लोग, पानी पे काम कर रहे हैं। अभी हम कहाँ हैं? अभी हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, मिट्टी में खड़े हुए यहाँ पे। अच्छा, सी बीच में है? हाँ जी, सेंटर में हम। और यहाँ से इंडिया का बॉर्डर कितने दूर है? इंडिया का बॉर्डर अभी 45 किलोमीटर है यहाँ से, बस। यस, आधे एक घंटे में पहुँच जाते हैं। एक घंटे में हम पहुँचे। और रोड पक्का है? हाँ जी, रोड पक्का है। और ट्रेन चलती है? ये बॉर्डर सर रन कच्छ यहाँ जो उसका राजस्थान, ट्रेन चलती है? ट्रेन नहीं चलती यहाँ। अच्छा, बॉर्डर खुला है या बंद है? बॉर्डर तो अभी बंद है। बंद है, खुलता है कभी? नहीं, कभी नहीं खुलता। सही। ये राजस्थान है दूसरी जगह, तो यहाँ के लोग राजस्थानी जबान बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? नहीं, यहाँ पे जो सिंधी बोली जाती है और ढाटकी बोली जाती है, जो राजस्थान में भी चलती है। और ढाटकी, ढाटकी, ढाटकी मारवाड़ी लैंग्वेज, मारवाड़ी जबान। तो मारवाड़ी आती है आपको? मारवाड़ी तो बड़े ज़बरदस्त बिजनेस मैन होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बड़े मशहूर होते हैं सारी दुनिया में मारवाड़ी। किस तरह बोलते हैं आप, कैसे हैं मारवाड़ी में? अभी की वो सजा सारा कड़ा हाल है, सजा सारा तबियत की होनी। अच्छा, कल आप बता, आपको यहाँ पे पाकिस्तान में बतौर हिंदू कितने लोग तंग करते हैं? हमें तो यहाँ कोई ऐसा तंग नहीं करता है, कोई तंग नहीं करता। हमने तो ये सुना भी पाकिस्तान में बड़ी जाति होती है हिंदुओं के साथ, कोई ऐसी यहाँ। ये कैमरे की वजह से नहीं बोल रहे आप या? नहीं, बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ, दिल से। बाकी दिल चेक करें मेरा। सही। हाँ सही है, बिल्कुल। हम यहाँ जैसे आप कह रहे थे कि यहाँ हिंदू मुस्लिम में भी कोई फर्क नहीं है ना, शादियों में या कोई त्यौहार होते वो भी मिलके इकट्ठे मनाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। ये हमारे साथ नौजवान हैं, कुछ एक्टिविस्ट हैं, वॉलंटियर। अस्सलाम वालेकुम नौजवान, सारे नौजवान खामोश बैठे हैं। ये कमलेश जो सेंटर चलाता है। अच्छा, आप हैं? अच्छा, कैसे भाई, ठीक हो? तो ये वो सेंटर में आप काम करते हैं ना? जी हाँ। बॉस नहीं आए? नहीं, वहाँ छुट्टी वगैरह संडे लगे पड़ा इसी लिए। अच्छा अच्छा, चले आपकी मेहरबानी, आप पकड़ ला, इसके लिए भाग रहा था क्या नहीं आता है। सही। तो नौजवान खामोश क्यों बैठे हैं? खामोश ये कुछ बोलेंगे तो कुछ होगा। अच्छा, और संतोष मादानी कौन से हैं? हाथ उठाए। ये संतोष भाई। मैं विजय शर्मा। विजय, संतोष भाई सर एक अच्छा कंपेयर है और पॉइंट भी अच्छा है। विजय शर्मा मुस्कुराते तो नहीं सुन सकते हैं, नाराज थोड़ा खिलो भला नहीं मुझे नहीं मिली। वैसे मुझे हमलेश ने दी थी बुक,
और अब जो है बड़ी मेहरबानी आप दे रहे हैं। और हमलेश जो है मेरा क्लोज फ्रेंड है, तो बातें होती रहती हैं आपकी और आपके हवाले से। मैंने काफ़ी वीडियोस आपकी सुनी भी हैं और काफ़ी जो आपके फॉलोअर्स हैं वहाँ पे मोस्टली जो फ्रेंड हैं जो इंटरव्यूज लेते रहते हैं। इंटरव्यू दिया आपने? नहीं दिया। नहीं दिया, नहीं सुना है इसका। दे देना। असल में यहाँ पे थोड़ा नेट का इशू। हम भी तो चला रहे हैं, नेट सही चल रहा। नहीं इंटरव्यूज तो लेते रहेंगे ना हम, बस अभी तो सीख रहे हैं आप कैसे लेते हैं। स्कूल अपना वो लिया था, वो हमलेश ने लिया था। मेरा एक यहाँ पे स्कूल है, मैं हेड हूँ वहाँ पे ना, तो हमलेश वहाँ पे। अच्छा, इस इलाके को ठीक करने के लिए कौन आएगा? कोई नहीं आएगा, हम खुद ही ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे? हम पहले खुद को ठीक करेंगे, उसके बाद जो तो खुद को ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं? तो क्या मसला है, किसी ने रोक दिया? अच्छा, हम आपको फॉलो कर रहे हैं, तो मतलब हम चाह रहे हैं ना कुछ चेंज आए, कुछ डेवलपमेंट हो। तो काफ़ी हम देख रहे हैं कि किस तरह से कौन सी, पहले तो हमें बीमारी को ठीक करने के लिए पहले उसकी तशखीस करनी पड़ेगी। आपके ख्याल में क्या बीमारी है यहाँ पे? मेनली तो ये है कि जो यूथ है, जैसे आपने पहले पहले कहा कि यूथ क्यों खामोश है, तो ये भी बहुत बड़ी बीमारी है। यूथ को खामोश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यूथ जो है वो पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन यूथ की है। और यूथ जो इन चीज़ों से दूर है, जो चीज़ों के, जिन चीज़ों के उनको करीब होना चाहिए। तो फेसबुक के, मोबाइल के, वो हर वक्त चिपके रहते हैं। अब माँ बाप ऐसे डांटते रहते हैं, भाई क्या जान छोड़ दे। वो चिपके रहते हैं लेकिन उसका जो पॉजिटिव यूज़ है वो नहीं करते ना। वो क्या होता है पॉजिटिव? वो ये है कि उनके हिसाब से तो वो लड़कियाँ ढूंढते हैं, पॉजिटिव यूज़ है। वैसे तो नहीं ढूंढ सकते हो। ये भी एक है, ये अप्रोच तो है, ज़रूर होना चाहिए। यूथ की जो एज है उसमें ये भी चीज़ होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा और भी। आप पिटवाएंगे मुझे लोगों से, होना चाहिए बोल के। लेकिन दिगर और भी मस्बत जो है उनके क्या होना, क्या करना चाहिए इनको? एक तो ये कि जो बहुत से जो लोग हैं, जिस तरह कम्युनिकेशन जो है होनी चाहिए, अननोन लोग हैं जो जिनसे फवायद हासिल कर सकते हैं, तो इनकी जो अपनी फील्ड है जिसमें इनका इंटरेस्ट है, तो उस फील्ड के इंटरेस्ट के लोग जो हैं उनको तलाश करने चाहिए और उनसे जानकारी, नॉलेज हासिल करने चाहिए। और उसमें जो है कि अपने अपने गांव के, शहर के जो मसाइल हैं वो भी डिस्कस कर सकते हैं, कि उनके मसीहा भी मिल जाते हैं ना फेसबुक पे। एक बहुत बड़ी दुनिया है, हम जब बात करते हैं कि क्यों नहीं करते जी, करते क्यों नहीं ये सब बातें जो आप बता रहे हो? तो मुझे इन्होंने बुला ये करते हैं, पकड़ के लाए मुझे कि जी काम किया है, आप बातें करें बच्चों से। ये तो मेरी फोटो कॉपी यहाँ बैठे हैं, आप इनसे क्यों नहीं बुलवाए? नहीं हम करते हैं, हम तो अपने ये हमारा ग्रुप है ना, आशिक है, हमलेश है, हम लोग तो यहाँ पे करते रहते हैं। एक साल पहले भी करते थे या अभी शुरू? नहीं नहीं अभी ज्यादा हमें वो उसमें मिली है तकवत। पहले जो फेसबुक यूज करते थे वो अपने फवायद, अपनी पिक्चर रखते थे, लोग कितने लाइक करते ये देखते थे। अभी हमने सोचा है कि क्यों ना फेसबुक एक सोशल मीडिया है, उसका पॉजिटिव यूज किया जाए। कब आया बदलाव ये? बस हमारे में, हम तो वैसे सोशल एक्टिविटीज कर रहे रहते हैं, लेकिन देखा आपको, देखा जैसे हमलेश हमारे दोस्त है, पहले जब भी हम किसी सोशल प्रोग्राम में जाते थे तो ये हमारे साथ नहीं चलते थे, वो एक्टिविटी नहीं देखने। लेकिन जब से आपसे इनकी फ्रेंडशिप हुई है तब से ये लगे रहते हैं वीडियो बनाने में। मुख्तलिफ स्कूल हमने विजिट किए, स्कूल के वीडियो बनाए हैं, जैसे सर विजय जो स्कूल पढ़ा रहे उनका स्कूल हमने विजिट किया, वो वीडियो बनाई। और इसकी वजह से हमें भी शौक पैदा हो गया कि हम भी कुछ करें माशरे के लिए। स्पेशली यहाँ पर बच्चे जो बेचारे बहुत गरीब हैं, यहाँ पर थर में जो गुर्बत ज़्यादा है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बीमार होते हैं, तो उनके हवाले से तो अप्रूच नहीं होती है, कराची तक, हैदराबाद तक, इस्लामाबाद तक, उनको पता नहीं है वहाँ पर किससे करना रब्ता करें, ये करें। तो हम ऐसे करते हैं, उन बच्चों के जो पिक्चर निकाल के उनके वालदेन के व्यूज लेके हम फेसबुक पे रख लेते हैं। तो इसे बहुत बच्चे, दो तीन बच्चे अभी रिसेंटली हमने उनको कराची तक भिजवाया, उनको इलाज भी हो गया, मुफ्त में हो गया, ये वो। तो सपोर्ट करने के लिए लोग बैठे हैं, लेकिन असल मसला यही है कि उनको कैसे उजागर किया जाए, उनको कैसे दिखाया जाए, हाईलाइट कैसे किया जाए। हमारे पास स्पेशली जो मीडिया के दोस्त है वो भी लगे पड़े रहते हैं, तकरीबन अभी जो सियासी एक्टिविटीज है और जो बच्चे मर रहे हैं धरने, ये वो गिजाई कोड का मसला है, मसला वो नहीं है, मसला है करियर काउंसलिंग का, उनको जो बताने का मसला है। अभी यूथ जो आप बोल रहे हैं, यूथ बहुत अवेयर है, हमारी यूथ इतने एक्टिव है, अगर अपनी कोशिश पे आ जाए बहुत ज़्यादा अहम पोस्ट पर भी। अभी जो कमीशन के एग्जाम हो रहे हैं उनमें बहुत से दोस्त धर के हुए हैं, लेकिन उनको लाइन नहीं मिली है, उन करियर काउंसलिंग का उनके पास फुकदान है,
कोई अच्छा सा ऐसा दोस्त हो, ऐसा फॉलोअर हो जो उनको करियर काउंसलिंग करवाएगी कैसे आपको आगे पढ़ना है, तो पढ़ लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं आगे क्या करना है हमें, इस हवाले से जो है हमारे पास हम कोशिश कर रहे हैं कि नौजवानों को ऐसे प्रोग्राम में लेके आए, उनको अवेयर करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो उनमें जो अवेयरनेस आ जाए तो वो आगे बढ़ सके। फतेह कुछ बात करें इनसे, कुछ नहीं मैं जो आपका दिक्कत है जी मैं कह रहा हूँ क्यों मैं देखो हमारे पास 3 मिनट रह गए दो बजे दिन छुट्टी में 3 मिनट टेस्टिंग में 3 मिनट रह गए छुट्टी में छुट्टी का तो इसका आपने इनका तारुफ नहीं कराया हीरो का। सर मेरा नाम हितेश है। रितेश जो फिल्मों में आता है वो नहीं है। अच्छा आएंगे फिल्मों में जी, अब आइंदा फिल्मों में आएंगे। नहीं उन्होंने लिया तो ले हो जाएंगे तो ऐसे जाके कहोगे लिया तो क्यों आएगा भाई, ऑफर के लिए तो पेशकश करनी पड़ेगी, रिश्ता भेजेगा तो कोई ऑफर आएगा, रिश्ता भेजा कहीं नहीं नहीं यार भेजो ना कहीं बॉलीवुड सॉलीवुड कोई लाइन ही नहीं देता लाइन तो लेनी पड़ती कोई देता थोड़ी है। नहीं एक एक रास्ता होता ना, कोई रास्ता बनाए तो हम जाए ना, कोई हमको पता ही नहीं हम कैसे जाए। फेसबुक चलाते हो? जी हाँ। ट्विटर चलाते हो? ट्विटर नहीं। चलो ट्विटर चलाना आता है ना, तो ट्विटर पे जाके जितने भी डायरेक्टर हैं म्यूजिशियंस हैं आर्टिस्ट हैं उनको पिंग करना शुरू कर दो, सर कैसे हैं आप, कर कैसे हैं आप, अब मैं अच्छा लग रहा हूँ, आप अच्छे लग रहे हैं, मेरी ये फोटो है, मैंने आपके साथ फोटो लगाई है, कुछ तो अगर मिलोगे नहीं तुम्हारी शक्ल नज़र नहीं आएगी उनको कि ये हीरो है तो कैसे बुलाएंगे तुम्हें। सर उनके फैन अब देखो 10 लाख। चलो यार अगर तुमने एक कोशिश ही नहीं करी, लॉटरी का टिकट नहीं खरीदा तो लॉटरी कैसे निकलेगी? नहीं आपकी बात सही है। कैसे निकलेगी? सही बात है। निकल सकती? नहीं। फिर क्या करें? लॉटरी का टिकट लो ना यार। एक अंकल थे वो एक मस्जिद में गए। अच्छा। वहाँ एक साहब बैठे हुए ना दुआ कर रहे थे, अल्लाह मियाँ मेरी लॉटरी निकला है, अल्लाह मियाँ मेरी लॉटरी निकला है। तो ऊपर से आवाज है भाई टिकट तो ले लो। राइट, तो टिकट लें आप। क्रिकेट क्या होता है, कोशिश करना टिकट है हमारा। टिकट टू सक्सेस इज इन एक्शन। वो जैसे बताए फकीर है, बताए फकीर, वो एक दिन जो मौलवी किताब दे रहा था मस्जिद में कि भाई आप आपको रिस्क अल्लाह देता है ये वो, आप उसने बताया, उसने सोचा यार अल्लाह देता है तो मैं आज जाता हूँ बेराड़ी में गया, जाके खेत में जाके कंडी के ऊपर चढ़ के बैठ गया, तो दरख्त के ऊपर बैठा था, नीचे लोग आए खाना वाना खाया ये वो बैठा रहा, उसको खाना नहीं मिला, तो भूख ज़्यादा लगी, जब वो जाने वाले थे तो उसने जो इसे किया तब जाके ऊपर ऊपर देखा, उन्होंने बोला बंदा बैठा है, तो नीचे उतार के उनको खाना दिया, तो फिर वापसी आ गया, बोली को बोला अल्लाह देता है लेकिन जो खांसने के बाद देता है लेकिन ऐसे नहीं देता है, रिस्क उसके लिए कुछ करना पड़ता है बंदे को तभी रिस्क। तो आप लोग क्या करना चाहते हैं, नौकरी रहना चाहते हैं या कुछ करना भी चाहते हैं? जज्बाती हो गए, अस्सलाम वालेकुम। जज्बाती नौजवान से तारुफ करें, नाम बताएं अपना। आवाज़ नहीं आ रही। मोहम्मद कुमार विमल विमल कुमार शर्माते हैं काफी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? बाबू नाम है बाबू चंदानी। बाबू चंदानी जबरदस्त नाम रखे हैं यहाँ पे सारे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे बेटे नाराज तो नहीं हो लग रहे हो? नाम आपका? बिल्कुल आवाज आप भाई, क्या नाम है? सुनील लौंडा राठौड़। सुनील राठौड़। सुनील राठौड़ राठौड़ यार इनको तो फैशन डिजाइनर होना चाहिए। जी आपका नाम? दीपक। दीपक चोपड़ा जी? नहीं नहीं लोहाना। दीपक लोहाना। लोहाना जी जबरदस्त। और आप? मुनेश रहमानी। मुनेश रहमानी रामानी। रामानी आपका नाम? जयप्रकाश अग्रणी। तशद्दुद गुजार। जयप्रकाश अग्रणी। जयप्रकाश जी हाँ अग्रणी 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 जबरदस्त। और आपका नाम? मुफ्ती साहब। मुफ्ती मोहम्मद इसहाक दर्स। मुफ्ती साहब आ गए। और आपका नाम? शमशेर अली बजीर। कौन से जी? शमशेर अली बजीर। शमशेर भाई आ गए। आपका नाम? कमलेश खिमाणी। हाँ कमलेश भाई। तो क्या बात करूँ, तो सारे आलिफ हाजिर लोग हैं।
आप हुक्म करें। सवाल आप लोगों को तो पूछो। हमारे पास सवाल तो वैसे आपने बहुत कुछ लिखी थी और बकवारी। सर आपने जैसे बोला हमारी यूथ खामोश है, पर खामोश नहीं, एक तरह से हमारे यहाँ लाइन नहीं दिए जाती। ड्राइंग रूम में खामोश नहीं रहते ना, दोस्तों में भी खामोश नहीं रहते। अब ऐसे मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन एक आदमी में टैलेंट होता है, तो मोटिवेशन क्या करता है, उसको पुश करता है। तो हमारे यहाँ कैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है, ठीक, यहाँ पे अच्छी पढ़ाई यहाँ मानते हैं, पर मोटिवेशन कोई मीन एक्स्ट्रा मोटिवेशन के अलावा मेरे ख्याल से कम है। जैसे मोटिवेशन हो गया, अगर मोटिवेशन उन लोगों को मिले फिर तो वो मीन ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। तो एक दुकान खोल लें मोटिवेशन की, यहाँ कहाँ मिलती है? सजेशन क्या है इसकी, सजेशन क्या है, कहाँ से मिलेगी, कमीशन क्या है? दुकान खोलनी पड़ेगी। बेहतर तो ये है कि लोगों में शऊर नहीं है यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पर जो भी लोग हैं पढ़े लिखे जो हैं उनमें भी इस तरह का जी बुद्धू है। हाँ अक्सर ऐसे ही है, जैसे मतलब ये नहीं कोई बैठा बुद्धू, मुझे तो कोई बुद्धू नहीं ये नहीं, आम जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके उनकी निस्बत से ऐसे समझें कि यहाँ के लोग जो पढ़े लिखे हैं वो भी बुद्धू हैं। तो ये तो उनमें वो दानाई वो शऊर वो नहीं है जो वो अपने सलाहियतें जो हैं वो बाहर निखार कर उसको काम में ला सकें। इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हैं। हमारे जो देहाती लोग हैं उनमें इतनी अवेयरनेस अगर पैदा की जाए तब भी बहुत वक्त दरकार है, उसके बाद ही उसमें कुछ हो सकता है। और यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो महदूद हैं, उनकी बहुत ही जो तादाद है वो मुख्तसर है, उनकी तादाद में भी इजाफे की ज़रूरत है। उसके बाद जो नई नस्ल है हमारी नौजवान हैं उनको उनके साथ मिलाने और एक ऐसे समझें यूथ बनाने की ज़रूरत है कि वो उनके साथ कोऑपरेट करें, मिलें, बातें करें, एक दूसरे के जो है व्यूज़ एक दूसरे के साथ शेयर करें, उसके बाद जाकर कुछ एक कम्युनिटी जो है वो पैदा होगी, वो आगे चलकर काम कर सकेगी। बाकी ऐसे नहीं कि चंद लोग सर विजय आ गए, सर अमलेश आ गए और मैं एक दो चार पांच लोग आ गए, इस तरह से नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग चार पांच हैं तो वो दूसरों को साथी बनाएं, उनमें आपस में मेलजोल हो, बातें करें, फिर एक एक सबका एक नज़रिया बने कि भाई हमें कुछ करना है, हमारे ये ख्यालात होने चाहिए, हमारे अंदर ये शऊर होना चाहिए, हमें फेसबुक को इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, यूट्यूब को इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, हमें किताबें पढ़नी चाहिए, हमें जो है फजूल वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ बातें करनी चाहिए जो 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 हमारे वो काम हैं जिनमें हमारा वक्त ना तो दीनी कोई फ़ायदा है ना दुनियावी कोई फ़ायदा है, वो लाख चीज़ें हैं, उनसे हमें गुरेज करनी चाहिए। इस तरह के कुछ जो है वो थाट वगैरह अपने मुंतकिल करें दूसरे नए नस्ल की तरफ, और इस तरह से हमें कुछ तब्दीली आ सकती है, अवेयरनेस आ सकती है, यही कुछ हो सकता है। सही, तो कोई डिसएग्री करेगा इनकी बात से? तो अब आप एक काम करेंगे, मदरसे में पढ़ाते हैं आप सारे लोग, यही सारे लोग उनके मदरसे में जाएं, वहाँ उनसे बच्चों से मिलें, उनके साथ सेल्फी खींचें, तो नजर आएगा मुसलमानों को कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी मैंने खुद ने सोचा है, हमारा मदरसा है, कल परसों उसकी एक नई इमारत चार कमरे और बरामदा वगैरह बनाया है, मैंने सोचा भी है सर विजय और सर अमरीश और दूसरे भी साथी हैं उनको बुलाया जाए और वहाँ पर सबको साथ हैं। असल में ये साथी सारे कुछ तो ऐसे हैं जिनसे मेरा जो है वो ताल्लुक है, कुछ ऐसे हैं जो मेरे शागिर्द हैं, इनमें से मतलब मैं मैट्रिक में उनको पढ़ा चुका हूँ, तो इस तरह से कुछ जो है वो कुछ से ताल्लुक है, कुछ आज मिले हैं। इस तरह से अगर हम आपस में मिलें और अपने ख्यालात वगैरह एक दूसरे के साथ शेयर करें तो एक यूथ बन सकता है जो आगे चलकर काम कर सकता है, वरना मैं अपने ख्यालात को अपने अंदर महबूस करके रखूं और दूसरे साथी अपने अंदर या कुछ एक दूसरे कमरे में, मुझे पता ही नहीं है कि ये आरडी का यहाँ पर कोई है या वगैरह और इस तरह से या कुछ काम कर रहे हैं, चलो हम अपने काम कर रहे हैं, हमारे काम का इनको पता नहीं है, इनके काम का हमारा हमें पता नहीं है, हम सब कुछ ना कुछ मतलब आपस में मिलकर कुछ कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ कम अज कम हमें पता हो कि वो क्या कर रहे हैं और कौन कौन से ऐसे यहाँ पर लोग रहते हैं जिनके ख्यालात जो हैं वो मुस्बत हैं, जो मुस्बत ख्यालात वाले हैं उनको आपस में मिल बैठकर जमा होना चाहिए, एक दूसरे के साथ मुलाकात करनी चाहिए। अपने ही लव में लगे रहता है बंदा तो फिर जाहिर है एक ही लाइन होती है, उसमें आगे चलकर कोई निखार नहीं आता, कोई ज्यादती नहीं आती, कोई बढ़ोतरी नहीं आती, बस मैं अपने तौर पर सोचूंगा वो अपने तौर पर सोचेंगे, इनको थोड़ा सा मजीद जो है वो आगे बढ़ना चाहिए इसमें और आपस में ताल्लुकात को मजीद मुख्ता करके फिर कुछ हम करेंगे तो इलाके के लिए भी मुफीद होगा, अपने लिए भी मुफीद होगा, अवेयरनेस भी आएगी, सब कुछ होगा।